ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज ने नाराजगी जताते हुए सरकार से इसे 7 दिनों में यथावत करने की मांग की है। इस मामले को लेकर कार्यवाहक केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के नायक ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई नई परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगाह किया कि 7 दिनों में योजना के नाम को यथावत नहीं किया गया तो समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं पत्रकारों के बीच अपनी बात रखते हुए रघुनंदन लाल वर्मा एवं डॉक्टर ए पी नायक ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर उसे शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का नाम देते हुए समाज को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक महापुरुष थे और कुर्मी समाज के नहीं अपितु सभी समाज के महापुरुष, जो एक समाज का नहीं होता। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, कुशल चिकित्सक भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो इस तरह की नाम पूर्व शासन में डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम किया गया था, वर्तमान शासन में उसका नाम बदल कर शहीद वीर नारायण सिंह का नाम किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह भी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। हमें उससे आपत्ति यही है कि खूबचंद बघेल का नाम यथावत रखा जाए। और सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजना का नाम करके शहीद वीर नारायण सिंह का नाम रखा जाए, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। बाकी खूबचंद बघेल के नाम से हमको थोड़ा आपत्ति है। पहले भी तो इससे पहले भी यूपीएससी के तर्ज पर ही होता था, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये ढकोसला है, अगर इसको पारदर्शिता करे तो मैं समझता हूं इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना जो उसका नाम बदला जा रहा है, इसमें समाज में काफी रोष है, इसको क्या कहेंगे? स्वाभाविक ही है, इसमें समाज आक्रोशित होगा। साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के गौरव थे और रहेंगे। हमारी सरकार ने उनके नाम से अगर योजना बनाई तो भारतीय जनता पार्टी उसको बंद क्यों करे? क्योंकि सरकार के पास कई योजनाएं हैं, शुरू कर सकती है या फिर नई योजनाएं बना सकती है। तो उनको नई योजनाएं बनानी चाहिए और अपनी राम रखनी चाहिए। जिस तरह से सरकार के पास, हमने कहा, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रोकना, उनको नाम बदलना, बस इसी काम में ही 8 महीने इस सरकार का बीत गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।